एकुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक न्यूमेरिकल ऑफ कैश एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विजय कंसल्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। उसने अर्न करा 4 लाख रुपए, आउट ऑफ विच ही रिसीव 3 लाख 50। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1 लाख 70 हजार, आउट ऑफ विच रुपीज 40,000 वर आउटस्टैंडिंग। ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर फॉर 45,000, ऑल्सो पेड रुपीज 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। दे आर सेइंग यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज इनकम इफ ही फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो पहले पार्ट में हम अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये फॉलो करता है तो इसकी इनकम क्या होगी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि कैश ट्रांजैक्शन लिखो, चाहे पिछले साल की हो, चाहे अगले साल की हो, चाहे इस साल की, बस पैसा मिला होना चाहिए। चाहे वो पैसा पिछले साल का है, इस साल का है, चाहे वो अगले साल का मिल गया। सपोज मेरे को किसी ने पिछले साल की ट्यूशन फीस दी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है वो मैं लिखूंगा। अगर अगले साल की एडवांस भी दे दी तो भी कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिखूंगा। एक्रूवल बेसिस कहता है सिर्फ इसी साल के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखो। ये कहता है कि कैश ट्रांजैक्शन लिखो, ये जरूरी नहीं कि इसी साल के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो पिछले साल के साथ रिलेटेड हो, चाहे इस साल के साथ रिलेटेड हो, चाहे अगले साल के रिलेटेड हो। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसकी टोटल इनकम क्या होगी। इसने अर्न कितना करा, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए इसने अर्न करा, मींस पर हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, 4 में से मिला कितना, 3.5, जितना कैश मिला। चाहे 4 लाख कमा लिया, मीन जैसे मैंने ट्यूशन फीस तुम लोगों से 4 लाख कमा ली, पर 50,000 रुपए कई बच्चों ने अभी दिए नहीं है, वो पेंडिंग है, तो मेरे को मिला कितना, 3.5 लाख। कैश बेसिस कहता कि कैश आ रहा है वो प्लस करो, मीन यहाँ पे प्लस 3.5 लाख लिख दिया, पैसा आ रहा है प्लस कर दो। एक्सपेंस करा 1,70,000 का, जो जिसमें से अभी भी 40,000 रुपए दिया नहीं है, मींस इसने कितना दिया एक्सपेंस, 1,30,000 रुपए, 30,000 दे दिया। इस साल का टोटल खर्चा 1,70,000 था, उसमें से इस साल का 40,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मींस टोटल कैश कितना गया 31,000, तो 31,000 माइनस कर दिया। वो कह रहे हैं कि उसके अलावा उसको कंसल्टेंसी फीस पिछले साल की 45,000 मिल गई है, कैश तो मिला ना इस साल, चाहे वो कैश पिछले साल के साथ रिलेटेड हो, चाहे इस साल के साथ, चाहे अगले साल के साथ, मिला है ना इस साल, बस प्लस कर देना। कैश बेसिस में आपने सीधा प्लस कर देना अगर पैसा आ रहा है, और 20,000 रुपया पिछले साल का खर्चा पे ऑफ करा, तो पैसा जा रहा है ना, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे अगले साल का है, बस पैसा जा रहा है ना इस साल, तो माइनस कर देना। कैश देखना ये नहीं देखना वो रिलेटेड टू कौन सा ईयर है, बस कैश ट्रांजेक्शन लिखनी। इसको सॉल्व करेंगे वो उसकी नेट इनकम हो जाएगी, नेट इनकम एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ जाएगी। सो 3.5 लाख माइनस 1,30,000, मेरे पास आया 2,20,000, 2,20,000 प्लस 45, दैट इज 265, 265 माइनस 20, दैट इज 245, मींस एन ऑन प्लस माइनस करके 2,45,000 होंगे नेट इनकम आ गई। 2,30,31 माइनस करें, दैट इज 2,30, 2,20 प्लस 2,65 माइनस 20, दैट इज 2,45, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। हुन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ध्यान नाल देखियो, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो कहिंदा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दे तौर दे नाल उहदी किन्नी इनकम होनी सी, कैश बेसिस दे नाल ते एक्रूवल बेसिस दे नाल उहदी इनकम पुछी गई है। एक्रूवल बेसिस कहिंदा कि सानू सिर्फ कैरी ट्रांजैक्शन शो करनी है, इस साल दे नाल रिलेटेड सारियां शो करनी है, चाहे कैश वाली हो, चाहे उधारी वाली हो, सारी करनी है। तानू इस साल कितनी कमाई करी, 4 लाख रुपया, चाहे उहदे चो 3.5 लाख मिले, तुसीं लिखना 4 लाख ही है, चाहे उहदे चो 3.5 लाख रुपया मिलिया कैश दे विच, इस साल दा है ना 4 लाख, 50,000 तुहाडा हले भी नहीं मिलिया, मीनस 4 लाख रुपया लिखता, तुहाडे कोल 4 लाख रुपया इस साल दी हक सच दी कमाई है, उहदे चो इस साल दा खर्चा किन्ना, 1,70,000 है, चाहे तुसीं हले तक 40,000 दित्ता नहीं है, है तां 1,70,000 ना खर्चा। सो माइनस 1,70,000, 1,70,000 चो चाहे तुसीं 40 हले की कहिंदे आ नहीं दित्ता, मीनस है तां तुहाडा इस साल दा खर्चा 1,70,000 ही है ना, मीनस 1,70,000, 1,70,000 कितना आया, मीनस 1,30,000 तां तुसीं देता कैश च, उस तों इलावा 40 हले भी नहीं दित्ता, चलो कोई गल नहीं, खर्चा तां इसे साल दा माइनस कर देना।
इस साल दे नाल रिलेटेड, चाहे कैश होवे चाहे क्रेडिट होवे, जिद्दां इस साल दे नाल रिलेटेड कैश किन्ना रिसीव आया 3.5 लाख इस साल, हले भी लोगों ने किन्नी उधारी करी हुई है इस साल दे, यानी इस साल की कमाई है, चाहे लोगों ने उधारी कर ली इस साल की तो 50,000 रुपया कमाई है प्लस करती, असी इस साल कैश किन्ना पे करता 31 इस साल की खर्चा सी, ते इस साल का असी उधारी हले किन्नी कर ली, किन्नी उधारी किन्नी करी, किन्ना नहीं हले खर्चा पे कर 40,000 मीनस असी अक्रूवल दे विच इस साल की हक सच की कमाई कढ़नी है। इस साल 4 लाख रुपया मेरी कमाई बनती सी, चाहे 3.5 लाख रुपया मिले 4 लाख लिखांगे, माइनस 170 इस साल का खर्चा 170 सी, चाहे असी उन्दे चो 40 नहीं पे कर लिखांगे 170 ही खर्चा। अक्रूवल कहता कैश ते क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन लिखो, चाहे पिछले साल की है अगले साल रिलेटेड है चाहे उस तो अगले साल रिलेटेड है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लाख चो 170 माइनस कर मेरे को आया 3,30,000, 4 चो 170 माइनस कर 2,30,000। सो ये 2 लाख इस अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंगली विजय की कितनी इनकम बनती है 2,30,000। याद रखना एक डिफरेंस मैं तुम्हें पिछली वीडियो कराया से, उन्हें एक पॉइंट मैं तुम्हें दसिया नहीं सीगा कि कैश बेसिस सानू करैक्ट प्रॉफिट नहीं दसता, ये ट्रू पोजिशन नहीं दसता। डिफरेंस दे विच एक होर पॉइंट ऐड कर लेना, कैश बेसिस सानू ट्रू पोजिशन नहीं दसता, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रू प्रॉफिट दसदा, असली वाली हक सच की कमाई दसदा, इनदे च तां कोई असली कमाई तुसीं दस ही नहीं सकते कैश बेसिस, की पता तुहानू सारे ही पिछले साल का पैसा मिले, इस साल तुसीं कमाई ना कीती हो, इदां भी हो सकता। कैश बेसिस सानू सही वाली फाइनेंशियल पोजिशन नहीं दसदा, अक्रूअल बेसिस सानू सही वाली फाइनेंशियल पोजिशन दसदा, दैट्स इट।